बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 2 सेलेरिशल स्फीयर। इसके लिए हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। प्रॉब्लम नंबर 27 हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। प्रॉब्लम नंबर 27 में आपसे कहते हैं, एट अ प्लेस इन अ नॉर्थ लेटीट्यूड फायर द टू स्टार ए एंड बी डेक्लिनेशन डेल्टा एंड डेल्टा 1 रिस्पेक्टिवली। नॉर्थ लेटीट्यूड यानी एक प्लेस जहाँ पर जिसका लेटीट्यूड फाई है। टू स्टार्स यानी दो स्टार्स हैं ए एंड बी, जिनका डेक्लिनेशन डेल्टा एंड डेल्टा 1 है रिस्पेक्टिवली, राइज एट द सेम मोमेंट, यानी वो होराइजन के ऊपर जो है वो सेम मोमेंट के ऊपर हैं। ठीक है जी, तो यानी होराइजन पर मौजूद हैं, यानी सेम मोमेंट पर। एंड ए ट्रांजेक्ट व्हेन बी सेटिंग, और होता ये है कि जो ए स्टार है वो ट्रांजेक्ट करता है, यानी जब वो ए स्टार तो है जितनी देर में वो ट्रांजेक्ट करता है बी स्टार सेट हो जाता है, इट मीन्स इनका जो आवर एंगल है वो डिफरेंट होगा ऑफकोर्स, यानी आप यूँ समझ लें कि इनका डायरोनल पाथ डिफरेंट होगा, यानी ए का जो डायरोनल पाथ है वो डिफरेंट होगा बी के डायरोनल पाथ से। क्यों? क्योंकि जब तक ए जो है वो ट्रांजेक्ट पर पहुंचता है तब तक बी सेट हो जाता है, राइट। और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वो दोनों सेम लोकेशन पर आ जाते हैं। देन प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी, इस प्रॉब्लम को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमने सपोज किया कि हेयर वी आर टेकन द फिगर ऑफ ईस्टर्न होराइजन, हमने यहाँ पर ईस्टर्न होराइजन फॉर्म कर लिया, ये आपका होराइजन हो गया, ये आपका सेलेशियल स्फीयर है, ये होराइजन है, और ये क्योंकि ज़्यादातर मैंने डायग्राम के अंदर वेस्टर्न होराइजन बनाया था, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर राइजिंग दिखानी है स्टार्स की, तो मैंने यहाँ पर ईस्टर्न होराइजन फॉर्म कर लिया। ये हो गया इसका ईस्ट, और सपोज ये वाला पार्ट हो गया इसका वेस्ट, जिसको मैंने एफ जो हो गया मैंने सपोज कीजिए कि वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है जी, और हेयर वी हैव टेकन अ फिगर ऑफ द ईस्टर्न होराइजन एंड टू स्टार ए एंड बी राइज, ये टू स्टार ए एंड बी ये राइज करते हैं। ये मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसकी जो है वो डायरोनल पाथ भी शो कर दिया है। ठीक है जी, तो स्टार ए का जो आवर एंगल है उसको हम सपोज कर रहे हैं कैपिटल एच, जबकि स्टार बी का जो आवर एंगल है उसको हम सपोज कर रहे हैं स्मॉल एच, राइट। अब होगा ये यहाँ पर कि स्टार ए जो है वो जितने टाइम के अंदर एल पर पहुँचता है, यानी अपर ट्रांजिट के ऊपर पहुँचता है, उतनी देर में स्टार बी जो है वो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके सेट हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि स्टार बी सेट होने में कितना टाइम लेता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो एच के इक्वल है स्मॉल एच, और ये डिस्टेंस स्मॉल एच हो जाएगा तो ये 2h हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है मैंने यही बात आपने यहाँ पर लिखी है, रिस्पेक्टिवली स्टार ए विल ट्रांजेक्ट एट एल इन एच आवर्स, वेयर एज द स्टार बी विल सेट एट एफ आफ्टर 2h। और यहाँ पर एक कंडीशन भी हमें समझ में आती है कि क्योंकि दोनों जो है वो नेक्स्ट डे पर वापस अपनी लोकेशन ए और बी पर मौजूद होंगे, तो इसका मतलब है कि उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम ए को एल तक पहुंचने में लगता है, उतना टाइम बी को एफ तक पहुंचने में लगता है, यानी बी सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल एच है और यहाँ पर ये जो स्मॉल एच, बेसिकली जो 2h है, इनका रिलेशन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं आफ्टर, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अगेन सिंस They are given to rise at same moment, and A same moment है तो A transit करता है, ट्रांजेक्ट वाइल बी इज सेटिंग। ठीक है जी, ए जब तक ट्रांजेक्ट पर पहुंचता है बी सेट हो जाता है, लेकिन ये दोनों सेम टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं। देयरफोर द टाइम taken by A to transit is the same as
the time taken by B to set. ठीक है जी, तो ये वही बात के सेट होने का जो टाइम है वो भी उतना ही होगा जितना आपका अपर ट्रांजिट पर पहुंचने वाला टाइम है. तो इसका मतलब है कि ये जो H है आपका कैपिटल H जो जिसमें अपर ट्रांजिट पर पहुंचता है ये इक्वल हो जाएगा स्मॉल 2H के. तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी. और दोनों का जो जेनिथ डिस्टेंस है वो कितना होगा, ऑफकोर्स ये जो जेनिथ डिस्टेंस है आपका ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है जी, ऑफकोर्स ये ग्रेट सर्कल है तो ये दोनों का जो जेनिथ डिस्टेंस है ये आपका 90 डिग्री होगा. एक बात आपको और बता दूँ, तो डेक्लिनेशन क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये जो है ये इसका डेक्लिनेशन हो जाएगा और सपोज ये जो है वो इसका डेक्लिनेशन हो जाएगा. ठीक है जी, तो पहले का डेक्लिनेशन को जो है वो इसका 1 हो जाएगा, इसका डेल्टा हो जाएगा. तो ये बेसिकली इसका डेक्लिनेशन भी हमें पता है. अच्छा, जेनिथ डिस्टेंस हमें पता लग गया है. क्या जेनिथ डिस्टेंस, किसका जो जेनिथ डिस्टेंस है वो 2h के बराबर हो जाएगा, सॉरी जो जेनिथ डिस्टेंस है वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो स्टार अगेन फॉर बोथ और बोथ दी स्टार्स एट ए एंड बी ऑन दी होराइजन. ये दोनों स्टार होराइजन पर हैं तो इट मीन्स के जो इसका जेनिथ डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री का. ठीक है जी, होराइजन पर होने की वजह से. और हम राइजिंग के से रिलेटेड ऑलरेडी एक बात प्रूव कर चुके हैं, वो ये कि जो आवर एंगल होता है राइजिंग स्टार का वो बराबर होता है माइनस 10 फाई एंड 10 डेल्टा. ठीक है, फॉर ए के लिए ठीक है. तो ये राइजिंग से रिलेटेड अगर आपको ये नहीं पता तो राइजिंग और सेटिंग मैंने जब अपने सेलेशियल स्फीयर के लेक्चर्स के अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है तो वहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा. इस रिलेशन को मैंने बाकायदा प्रूव किया है वहाँ पर. तो यहाँ पर हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं. तो ये स्टार ए के लिए हो गया और कॉस ऑफ स्मॉल एच बराबर हो जाएगा किसके, माइनस 10 फाई, तो एज इट इज़ रहेगा और ये बन जाएगा 10 डेल्टा 1. ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर स्टार बी के लिए. ठीक है जी, तो ये बात हमें बताती है. तो बस आपने अब छोटा सा काम ये करना है कि हमें एक रिलेशन पहले से पता है, हम तो पहले से अभी ये बात जानते हैं कि इस पूरी प्रॉब्लम से ये जो h है ये बेसिकली 2h के बराबर है. ठीक है जी, तो इसको उठाएं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें. तो बताएं कि भाई cos h क्या हो जाएगा. पहले मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि जो cos कैपिटल h है तो इसकी जगह जब आप पुट करेंगे cos 2h बन जाएगा और cos 2h का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर h माइनस 1. ठीक है जी, इसी तरीके से ये जो माइनस का 10 phi और 10 डेल्टा है, चाहे तो आप इनको इक्वेशन नंबर कोई नाम दे दें. जैसे मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें. जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज कह रहा हूँ तो जिसकी राइट हैंड साइड तो वो तो ऐसी रहेगी, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी cos कैपिटल H है. तो cos कैपिटल H की जगह पर आप जो है इसको थोड़ा सा आपने जो है वो सिंप्लीफाई कर लिखना होगा. ये बन जाएगा आपके पास दिस इज 2 times राइट. ये जो cos कैपिटल H है इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख दीजिए आप, ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर H माइनस 1. ठीक है जी, और यहाँ पर जो ये जो cos स्क्वायर H है इसकी वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर से सब्स्टिट्यूट कर दें. तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 10 phi एंड देन 10 डेल्टा इज इक्वल टू 2 times ऑफ cos ऑफ h. अब ये cos ऑफ स्मॉल h की वैल्यू ये सारी गिवन है, ये यहाँ पर रख दीजिए, ये बन जाएगी माइनस दिस इज 10 phi 10 डेल्टा 1 और यहाँ पर आ जाएगा उसका स्क्वायर एंड देन माइनस 1. ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर लें इसको. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 10 स्क्वायर phi 10 स्क्वायर डेल्टा 1 माइनस 1 और ये इक्वल होगा माइनस 10 phi एंड 10 डेल्टा. ठीक है जी, और आप इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लें, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लें. तो जब आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 phi 10 डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस 2
10 square phi and 10 square delta 1, right? और अगर आप नोट करें तो यही आपको रिलेशन थी जो आपने यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाता है, राइट? तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप किया है, आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में इसकी लॉजिक को अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 27। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।